रिकॉर्डिंग पे भी हमने स्टार्ट कर दिया। और ऐसा करते हैं कि आज मैंने बात की थी कि हम सर्विसेज का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे आज, ठीक है? तो सर्विसेज किस तरह से यूज़ होती हैं, किस तरह से इस पर काम करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फिलहाल मेरा सारा डाटा जो है फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव्ड है, मैं इसको इधर कहीं जगह पे कर दूंगा, कहीं से मैंने इसको करना ही है। तो ऐसा करते हैं कि नया फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर है हमारा लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 बन गया। इस फोल्डर के अंदर हमें एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाना है, क्योंकि हमें इसके अंदर मॉड्यूलर एंगुलर जेएस की फाइल है वो प्लेस करनी है, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल और वो मॉड्यूल दोनों के दोनों। फिलहाल मैं एंगुलर यहाँ से ले रहा हूँ। देन वी आर गोइंग टू अनदर फाइल, ठीक है? अपनी दूसरी फाइल की तरफ आ गए यहाँ पे। और ज़रा एक मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है? जी देखिए, एंगुलर जेएस की जो फाइल है वो तो सेम होगी, और जहाँ तक बात आई हमारी जो मॉड्यूल की फाइल है, तो मॉड्यूल की फाइल वेरी करेगी जिस तरह का मैंने काम करना है। मॉड्यूल की फाइल में हर मरतबा डिफरेंट बना रहा होता हूँ, हर मरतबा उसमें काम में अलग अलग टाइप का कर रहा होता हूँ। तो जिस तरह की उसमें स्क्रिप्टिंग जैसा काम होगा वो उसकी अलग फाइल होंगी। फिर जैसे हम हर मरतबा सी एस एस अलग बनाते हैं एच टी एम एल के लिए, ठीक है? पुरानी चीज़ें को यूज़ नहीं करते, इस तरह से जावास्क्रिप्ट को भी हमने अलग यूज़ करनी है, जाहिर है। अभी मैंने मॉड्यूल की फाइल नहीं दी यहाँ से, मैंने मॉड्यूल को छोड़ दिया, सिर्फ मैंने एंगुलर की फाइल ली है। एंगुलर की फाइल ली है पुरानी क्लास से, क्योंकि एंगुलर की फाइल अगर मैं वहाँ से नहीं लेता तो मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ती। तो एक ही बात है ना, मैंने अपने पास लोकल मेरे कंप्यूटर में रखी हुई थी तो मैंने उसको कॉपी कर दिया, मैंने न्यू फाइल डाउनलोड नहीं करी। सही, तो कोई मसला नहीं है, पूछ लिया करें क्वेश्चंस, कोई मसला नहीं है। असल में फोन में फ्रीक्वेंट नहीं देख रहा होता, मेरे खुद के यूनिवर्सिटी के बहुत असाइनमेंट्स आए हैं, बड़ी मुश्किल से रात को जान छूटी है, बता नहीं सकता आप लोगों को। ठीक है, हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है असाइनमेंट में, बिल्कुल सही कह रही हैं आप लोगों को भी हो रही है आपके असाइनमेंट में। मैंने तो बहुत सिंपल सा काम दिया था, मैंने कहा था जो एग्जांपल मैंने की है आप लोगों ने वही एग्जांपल करनी है, बट अब की बार क्या करना है कि टेबल्स का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा करना है। यानी कुछ काम तो था ही एंगुलर जेएस का, जितना भी काम था वो तो सब कुछ सी एस एस का था, सी एस एस का था, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो काम था वो टेबल का जो एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर बॉर्डर वाला, अलाइन वाला और सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग, ये वाला काम था मैक्सिमम जो काम मेहनत जो करनी थी। मैंने भी जो फाइल यहाँ पे क्रिएट की है वो, वालेकुम सलाम निशा, मैंने जो भी फाइल क्रिएट की है दोबारा दिखाता हूँ। सिंपल एच टी एम एल की फाइल है, ये सिंपल एच टी एम एल की फाइल है, और ये जो दूसरी वाली फाइल है ये सिंपल वो मॉड्यूल की फाइल है, मैं सेव कर देता हूँ उसे। और ये मैंने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में सेव करनी है लेसन 6 के, और इसका नाम मैं मॉड्यूल ही रख रहा हूँ, ये मेरे मॉड्यूल की फाइल है, मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट जे एस की फाइल ये बन गई। अब मॉड्यूल डॉट जे एस की फाइल जो मैं पहले अभी कॉपी करने वाला था आप लोगों के सामने, मैंने कॉपी नहीं की थी, वो ये मॉड्यूल जे एस की फाइल थी जो मैंने बनानी थी खुद ही,
मैंने बना लिए। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं जो मॉड्यूल वाला काम होता है, जो मॉड में मैंने बनाना होता है यहाँ पे, मैं खुद से कर लूंगा। पहले ये होता था कि मैं लास्ट, अभी अगर मैं करने वाला था तो वो ये होता कि मैं लास्ट क्लास के कोड से हेल्प ले रहा होता, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं खुद से प्योरिटी खुद से कोड करके और वो फिर दोबारा से काम करूंगा। अच्छी बात है, आप लोगों के रिकॉर्ड में भी आ जाएगी बाद में, जब वीडियो देख रहे होंगे तो उसके रिकॉर्ड के अंदर भी आप लोगों के पास आ जाएगी, तो मुश्किल इंशाल्लाह कम से कम होगी। सेव कर ली इस फाइल को भी हमने, और अब क्या करते हैं कि, अच्छा एक और चीज, जितने लोगों ने मुझे लास्ट जो असाइनमेंट सबमिट किया था ना, उनमें से अक्सर ने गलती की थी। अक्सर की प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्होंने एनजी ऐप वाला जो एट्रीब्यूट होता है ना, जो डायरेक्टिव होता है, वो यूज नहीं किया था। HTML का जो हमारे पास टैग होता है, ठीक है, तो वो यूज करें भाई लाजमी, अगर वो यूज नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं रहेगा ना। ये लास्ट जो दिया था असाइनमेंट मैंने परसों, ठीक है, तो मैंने जो लास्ट असाइनमेंट दिया था एंगुलर जेएस का, जिसके अंदर मैंने कहा था कि टेबल जैसे मैंने आप लोगों को बनवाया डेटा बाइंड करने के थ्रू, उस तरह से आप लोगों को करना, और टेबल के अंदर CSS भी ऐड करनी है आपकी मर्तबा, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सही है, मेरी आवाज सही आ रही है? सबको सही आ रही है? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं मैंने लास्ट क्लास में असाइनमेंट क्या दिया है? मैंने असाइनमेंट नहीं चेक किए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने असाइनमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो आपके असाइनमेंट कैसे चेक करूँ? मैं अभी रात में ही फ्री हुआ हूँ, तकरीबन कोई 1:15 बजे। अच्छा हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है। अच्छा भाई हम अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं अभी उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ हुज़ैफ़ा से, जो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वो असाइनमेंट में क्वेश्चन वगैरह सब मौजूद हैं, कंडीशन गिवन है वहाँ पे, उसी का पूछ रहा हूँ। जी अटेंडेंस कहाँ गई? ऑनलाइन क्लासेस अटेंडेंस कम के वेटिंग 12 थी और आज 7th है, 7th में है ना आज? ठीक है सही। अच्छा इससे पहले बाकी सब कुछ करें तो मैंने क्या किया है, एनजी का जो डायरेक्टिव है एनजी ऐप का वो यूज़ कर लिया, और एनजी ऐप के डायरेक्टिव के साथ साथ मैंने, अब मैंने एंगुलर जेएस को लिंक करना है यहाँ पे, तो एंगुलर जेएस को लिंक कर लेते हैं। हमने ये बात की थी कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सिक्वेंशियली चल रही होती है, लाइन वाइज जावास्क्रिप्ट चल रही होती है, तो जावास्क्रिप्ट जब लाइन वाइज चल रही होती है तो पहले एंगुलर जेएस की फाइल जो है वो लिंक करनी होगी मुझे। ये टैग मेरा क्लोज हो गया, ये देखो लिटरली मुझे ये कोड्स ना याद होते हैं, कौन से वाले जो मैं स्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने रिमूव करके दोबारा से लिखा था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये कोड याद नहीं है या मैं गलती ना कर दूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं बखुदा जानबूझ के दोबारा इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग जब भी मिस्टेक्स करो तो एक मरतबा कोड की स्पेलिंग अच्छी तरह सीखा करो, तो जो चीज़ें मैं रिमूव करके दोबारा से लिख रहा होता हूँ ना इनको देखा करो, ठीक है। मैंने जानबूझ के ये चीज़ें आमतौर पर परफॉर्म करनी होती हैं इसलिए ताकि जो भी देख रहे हैं ना मेरे कोड को वो प्रोमिनेंट उस कोड को दोबारा से देखे कि रिमूव क्यों कर रहे हैं ये साहब, ठीक है, तो मैं रिमूव इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग उस जगह को दोबारा देखो कि मैंने क्यों उसको रिमूव किया। अगर स्पेलिंग सही नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ड्रीमवीवर यूज कर रहे हो तो इंटेलिजेंस की मदद लो, रिमूव करो दोबारा से टाइप करो, सजेशन अगर चला जाए जो जो सजेशन आमतौर पर आ रहे होते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब यकीनन क्या पता आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो उन मिस्टेक से बचने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बार बार रिमूव करके दोबारा से टाइप करके दिखाऊँ, ठीक है।
देखो एंगुलर जेएस, हाँ बिल्कुल, एंगुलर जेएस के सजेशंस नहीं आते, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के अंदर आते हैं सजेशंस जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट के टैग के दरमियान अगर कर रहे हो, एक तो एंगुलर जेएस के सजेशन इतने यहाँ नहीं आते, ठीक है, एंगुलर जेएस के अगर तुम्हें पढ़ना है ना कि एंगुलर जेएस किस तरह से यूज होगी, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो मैं चलो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, एक और मेथड ये है कि तुम एंगुलर जेएस की खुद की डॉक्यूमेंटेशन जाके देख लो कि वो किस तरह से काम तुम्हें सिखा रहे हैं, ठीक है। मैं भी क्लास के एंड पर या किसी वक्त बीच में अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन एंगुलर जेएस की ओपन करके दिखा दूंगा कि वहां पे, यानी अगर तुम्हें लेट से तुम्हें लग रहा है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो देखो जाहिर है मैं जिंदगी में कभी आगे तुम किसी पॉइंट पर होगे, क्या पता मैं उस वक्त मेरे पास अवेलेबल ना हो, तुम मुझे उस वक्त मैसेज करके ना पूछ सको, या हम उस वक्त बात ना कर सकें आपस में, तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है, या अभी तुम फोन नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर में तो इंटरनेट होगा, तुम क्या कर सकते हो, एंगुलर जेएस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने जो डायरेक्टिव लिखा है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, जो मेरा कोड नहीं चल रहा, इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, डेवलपर्स करते हैं इस तरह की मिस्टेक्स, डेवलपर्स तो खैर आगे जाके फिर नहीं करते, बट जब बिगनर्स होते हैं, मैं खुद बहुत मतलब मिस्टेक्स होता है जावास्क्रिप्ट एंगुलर जेएस के अंदर, मैंने स्टार्ट किया था एंगुलर लिखने से, मैं पहले एनजी नहीं लिखता था, मैं पहले एंगुलर लिखता था, बहुत मिस्टेक्स होती थी, मैंने तुम लोगों को अभी तक एंगुलर लिख के नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि मैं एंगुलर लिखता था तो मैं बहुत मिस्टेक्स होती थी, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि वो मिस्टेक्स ना आप लोग बार बार दोहराओ, मैं बता चुका हूँ कि एंगुलर लिख सकते हो, लेकिन एंगुलर के साथ डायरेक्टिव हम लोग यूज करते हैं ना तो क्या होता है, फिर हमें वो एंगुलर भी याद रखना पड़ता है, स्टूडेंट्स की अक्सर कंप्लेन आती है सर वो एंगुलर जो है वो भी वर्ड याद रखना पड़ रहा है और डायरेक्टिव का नाम अलग से याद रखना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को एनजी के साथ पढ़ा है, हालांकि इसमें कोई मसला नहीं है, वो भी अच्छी अप्रोच है, ये भी अच्छी अप्रोच है, बट एंगुलर के एंगुलर जैसे जो डायरेक्टर जो डेवलपर है ना वो कन्वेंशनल कोडिंग के अंदर इस बात को कहते हैं कि आप कोशिश करो कि एनजी यूज करो, क्योंकि एनजी शॉर्ट टर्म है, इसलिए बाकी जो इंटेलिजेंस के सजेशन की बात करते हो तो यार एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल के सजेशन आते हैं, सीएसएस के अंदर सीएसएस के सजेशन आते हैं, और जावास्क्रिप्ट में अगर तुम लोग नोट करो तो जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट के सजेशन आते हैं, लेकिन ये एचटीएमएल है, यहाँ पे मैं एंगुलर का डायरेक्टिव यूज करूंगा तो मुझे सजेशन नहीं आएंगे, और जावास्क्रिप्ट में भी इतनी आसानी से नहीं आते सजेशन, अगर तुम लोग अच्छी तरह से, यानी अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग काम कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट में भी, वहाँ पे भी कोई खास इतनी आसानी नहीं है इंटेलिजेंस या सजेशन के बारे में अगर बात करें हम, तो फिलहाल वही हमारा पुराना जो प्रोसेस है। डायरेक्टिव्स बेसिकली कुछ ये समझ लें आपके डायरेक्टिव्स आर सम काइंड ऑफ प्री डिफाइंड मेथड्स कह लें, सम काइंड ऑफ प्री डिफाइंड बाइंडर्स कह लें, जो क्या कर रहे होते हैं आपकी जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, जो आपकी एंगुलर जेएस की जावास्क्रिप्ट की जो साइड होती है उसको आपकी इसकी इससे एचटीएमएल वाली साइड से ना जोड़ रहे होते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो आपकी एंगुलर जेएस वाली साइड से आपकी एचटीएमएल वाले एलिमेंट्स को जोड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो बीच में एंगुलर जेएस की जो जो इनकी डेवलपर्स की चीजें हैं वो आ रही होती हैं, आपकी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग आ भी नहीं रही होती, जैसे हमने एनजी मॉडल पढ़ा था, टेक्स्ट बॉक्स से डायरेक्टली डेटा बाइंड किया था, किसके अंदर पैराग्राफ के टैग में हमने बाइंड किया था, और उसके अंदर हमने क्या यूज किया था, हमने एंगुलर जेएस के अंदर कोई मॉड्यूल की अलग से फाइल नहीं बनाई थी, हमने बस नॉर्मल एंगुलर जेएस को लिंक कराया था और बस वो काम हो गया था, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी अपनी सोर्सेज की भी जरूरत नहीं पड़ती और आप डायरेक्टिव्स के थ्रू वो सारा काम कर सकते हो, जो आप पहले जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बना के करते थे, या ऐसी उसी एचटीएमएल वाले डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं आपको जावास्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज करके वो काम करना पड़ता था, अब वो आप डायरेक्टली विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग द टैग्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आप कर सकते हैं, कह सकते हैं आईडी की जगह ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने आईडी दी, आईडी ना दें तो आप एनजी मॉडल ले दें और एनजी मॉडल को जावास्क्रिप्ट में कहीं यूज कर लें, नीचे किसी टेक्स्ट में पैराग्राफ के अंदर यूज कर लें, मसला नहीं है, तरह से यूज कर सकते हैं, एनजी ऐप इज इक्वल्स टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल, ये मेथड कॉल किया, ठीक है, हम आज सर्विसेज पढ़ रहे हैं, सर्विसेज के अंदर क्या होता है, सर्विसेज आर लाइक मेथड या फंक्शन, आपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़े थे, तो सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर लाइक दोस फंक्शंस, बिल्कुल उन फंक्शंस की तरह आप समझ सकते हैं इनको, और इसके अंदर क्या होता है, राइट वंस एंड देन यूज मल्टीपल टाइम्स, एक मतलब आप राइट करके और मल्टीपल टाइम्स उस कोड को री यूज कर सकते हैं, सही है, अच्छा, अब मैंने ऐप नाम का एक वेरिएबल बना लिया, तो ऐप के अंदर क्या क्या होगा, ऐप डॉट
कंट्रोलर, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसका नाम क्या होगा। ऊपर मॉडल का मैंने नाम नहीं दिया, ना मैंने भी उसका कोई काम किया था। ऐसा करते हैं, पहले मॉड्यूल जो मैंने मॉड बनाया है उसको तो कोई नेम दे देते हैं। और फिलहाल कंट्रोलर को भी वही पुराना सा नाम दे रहे हैं, हुजूर सा। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है। और अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जावास्क्रिप्ट एंगुलर जेएस के अंदर, तकरीबन 30-35 सर्विसेज हैं। बहुत सारी अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, आई थिंक टोटल ऑफ 30-35 सर्विसेज ही ऑफिशियली प्रोवाइड करते हैं, बट हम फिलहाल दो तीन देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यूज़ होती हैं। सही है, आप एंगुलर जेएस की जो वेबसाइट है उसकी डॉक्यूमेंट जी बोलो। बोलो बोलो। हाँ अच्छा, जो मैंने मॉड के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किए हैं, किसी को पता है उसमें क्या रखना है, उसमें क्या आता है? रेफा ने क्वेश्चन किया है, किसी को पता है इसका आंसर क्या है? आप लोगों ने यकीनन सुना भी होगा ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं दोहरा देता हूँ कि जो मैंने लिखा है मॉड और फिर उसके साथ कॉमा डाल के मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट जो है ओपन क्लोज किए हैं, उनका क्या मतलब है और उसमें क्या आता है? नंबर नोज आमिर, अरीबा, निशा, उसाम। बताएं। नहीं, कर्ली ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट का पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं, मैं आपको जगह मेंशन करके बता देता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या आता है? ये इनका सवाल है। कोई आंसर करना चाहेगा? कोई? बिल्कुल, इसका मतलब है कौन से एरेज। वैसे एक एरे तो आएगा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ कुछ कोई किसी चीज़ की लिस्ट आएगी, यानी एरे के अंदर वैल्यूज आएंगी। लेकिन किस चीज़ के एरे में वैल्यू, यहाँ पे आएगा क्या चीज़ एरे के अंदर, क्या वैल्यूज आएंगी? अच्छा निशा, क्लास की वीडियोस, और सब लोग जो क्लास की वीडियोस अपलोड किए ना लास्ट दो क्लासेस की, वो देखेंगे आज और उनकी ड्यूरेशन बताएंगे मुझे कितने मिनट की वीडियोस हैं वो। और इसके अलावा ये बताएंगे कि उन क्लासेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ना मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे कि मैंने इन दो तीन क्लासेस के अंदर, जो लास्ट की दो तीन क्लासेस हैं इसमें, यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं मैं क्या क्या बताया। सही है, इतनी जल्दी बोल गए। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं यहाँ पर आते हैं बेसिकली एक लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स, वो तमाम मॉड्यूल्स अगर तो मौजूद है मेरे पास, वो तमाम मॉड्यूल्स जिन पे मेरा ये वाला मॉड्यूल जो फाइल अभी बनी हुई है इस वक्त, ये सारा अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर दूं, ये जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल डिपेंड करता हो, या फिर वो मॉड्यूल जो इस पर डिपेंड करते हो, यानी भाई अभी तो यहाँ पे कितने मॉड्यूल बने, एक ही मॉड्यूल बना है जिसका नाम क्या है, मॉड। लेट से मैं 10,000 मॉड्यूल्स बनाता हूँ, उसमें से 10 मॉड्यूल ऐसे होंगे जो कि इस मॉड्यूल पे डिपेंड करते हैं, यानी उसमें कोई वैल्यू जानी है, कोई वेरिएबल की वैल्यू जानी है तो इस पर, जो कि इस पर डिपेंड करती है, कुछ कुछ किसी भी तरह से मैं डिपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, या ऐसे 10 मॉड्यूल जिन पे ये डिपेंड कर रहा है, ये वाला मॉड्यूल डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह के मॉड्यूल, लेट से आप एक ही लिस्ट के अंदर सारे मॉड्यूल दे दें, ठीक है, जो इस पर डिपेंड कर रहे हैं और जो जिन पे ये डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे वो लिस्ट आएगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ दोज मॉड्यूल्स ऑन विच दिस मॉड्यूल इज डिपेंडिंग, एंड लिस्ट ऑफ दोज मॉड्यूल ऑन देम दिस मॉड्यूल इज डिपेंडिंग, यानी इन उन पे ये वाला जो मॉड्यूल है वो डिपेंड कर रहा है। सही है, उन सबकी लिस्ट जो है ना इस स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान आ जाएगी। इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, यहाँ पे आपने लेट से कोई भी मॉड वन दे दिया, कॉमा, मॉड टू, इस तरह से आपने लिस्ट यहाँ प्रोवाइड करनी है। सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम? इसके बाद मैंने क्या किया,
हाँ, वो अलग अलग मॉड्यूल है ना, वो तुम्हें उस एचटीएमएल की फाइल पे भी लिंक कराना पड़ेगा जो तुम यहाँ से कॉल कर रहे हो। बिल्कुल। नहीं, आपने बस यहाँ पे कॉल करना है, उन्हें यहाँ पे कॉल करना है। इसका ताल्लुक, ये जो मॉड्यूल है, इनका ताल्लुक इस फंक्शन, इस पूरे मॉड्यूल से होगा, इस पूरे कंट्रोलर और मॉड्यूल से होगा। उन करंट मॉड्यूल का ताल्लुक आपकी एचटीएमएल से नहीं होगा। आपने क्या करना है, तुम दोबारा से हो जाएगा, तुम भी करना। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उनके नेम्स यहाँ प्रोवाइड करने हैं। आपने एचटीएमएल फिर उनके नेम प्रोवाइड नहीं करने, आपने एचटीएमएल में जो प्रोवाइड करना है वो तो ये प्रोवाइड करना है मॉड, और ये वाले मॉड्यूल का आपने वहां पे देना है। सही है। सही है, सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम अलग अलग मॉड्यूल यूज करो। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। तो तुम ये सोच रहे होगे कि सर मैंने तो पूरे एचटीएमएल के टैग के ऊपर एनजी करके और फिर मॉड वाला नाम दे दिया ना, तो पहला मॉड्यूल तो फिर पूरे एचटीएमएल के टैग पे चलेगा, बाकी मॉड्यूल कहाँ गए, ये पूछ रहे हो। अब देखो, इसका एक हल है। हमने क्लास जब स्टार्ट की थी एंगुलर जेएस की, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम कुछ पार्शियल एरियाज को भी ना पूरी एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी तुम क्या करो, तुमने एक डेव बनाई, ठीक है, खत्म, इसको मॉड का नाम दे दिया, नीचे एक और डेव बनाओ, उसके अंदर एनजी एनजी एफ दो और उसके अंदर अलग नाम दे दो। तो तुम्हारा काम भी हो गया, अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ भी तुमने इंटरेक्शन कर लिया और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। इस तरह से काम कर सकते हो भाई। डायरेक्टिव्स का खेल है ना, डायरेक्टिव्स का और स्कोप का। स्कोप मैंने तुम लोगों को बताया था कि अब ये जो फंक्शन है, ये एनजी एप का जो डायरेक्टिव है, ये एचटीएमएल के टैग में ओपन हुआ है, तो ये अगले एचटीएमएल के टैग जो क्लोजिंग टैग है उस तक चलता रहेगा। उससे पहले आप जो भी कंट्रोलर इसमें रखा हुआ कॉल कराओ, कोई मसला नहीं है। सही है, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। एक मतलब आप रिव्यू कर लेते हैं। यस, रिव्यू कर लेंगे मतलब। सही है, और अब इस मॉड्यूल में आगे काम कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, सर्विसेज। तो भाई सर्विसेज का जो सिनेरियो है सारा, वो जरा देख लें। सर्विस का मसला ये होता है कि सर्विसेज, मैंने बताया आपको सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज आर लाइक फंक्शंस और मेथड्स, और लाइक आप बने बनाए फ्रेमवर्क या बने बनाए कोई फंक्शनैलिटीज होती हैं, ठीक है, दे आर लाइक दोस्त। आप क्या कर सकते हो, तो ये कोड बना हुआ है पहले से, आप उसको यूज कर सकते हो सर्विस के थ्रू। जैसे कि लेते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हो, और वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो आप वेबसाइट पे देखते हो कि यार एक सर्विस होती है, या किसी भी तरह की सर्विसेज होती हैं। लेट से वो टाइम आउट आपको शो कर देंगे कि भाई लेट से 10 मिनट रह गए, ठीक है, आपने कुछ शो करने के, लेट से 10 सेकेंड्स रह गए, आप एमसीक्यू दे रहे हो, ठीक है, और आपके पास एमसीक्यू पे टाइम लिखा हुआ है 10 मिनट्स रह गए, ठीक है, और जैसे ही 10 मिनट खत्म हो गए तो क्या होगा, कोई क्वेश्चन आपके सामने चेंज हो जाएगा। जो क्वेश्चन अभी आ रहा था वो चेंज हो गया, अब आप उसका आंसर करोगे तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सही है, इस तरह की जो काम है ना आप वो कर सकते हो। कैसे करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, अभी एग्जाम्पल दी है तो नहीं, अभी जहन में आया ही तो ये बना भी देते हैं। अब देखो, सर्विस मैंने बनानी नहीं है, सर्विस मैंने सिर्फ यूज करनी है, क्योंकि सर्विस ये बिल्ट इन है। टाइम आउट की अगर सर्विस अभी जहन में, टाइम आउट की सर्विस ही यूज करते हैं। टाइम आउट की जो सर्विस है वो बिल्ट इन है, मैंने बनानी नहीं है। डॉलर, मैंने बताया था ये भी एक सर्विस होती है जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है कि ये सर्विस तो होगी, कॉमा डालेंगे और एक और सर्विस यूज करेंगे। इस सर्विस का नाम है डॉलर टाइम आउट। सर्विस का नाम क्या है, डॉलर टाइम आउट, ठीक है, और ये सर्विस मैंने सिंपली यूज करनी है इस तरह से कि मैं पहले तो क्या करूंगा, मैं पहले तो एक कोई सेंटेंस लिख लेता हूँ, डॉट और लेट्स से नेम, कोई नेम शो कर देते हैं, या आप कुछ भी आप दे लें, यहाँ पे नेम दे दो, वट एवर जो भी। मैंने ये नेम दे दिया, ठीक है, अभी नेम देने के बाद मैंने क्या किया, अब मैंने सर्विस के साथ खेलना है, तो सर्विस क्या करेगी,
जी पूछें। मर्जी आपकी, कुछ भी नाम रख दें इसका, सर्विस का नाम, ये तो मैंने वेरिएबल का नाम रखा है ना, कुछ भी दे दें नाम, मसला नहीं है कोई। रिमूव नहीं करना है इसको, चेंज करना पड़ेगा, रिमूव नहीं कर सकते हम इसको, चेंज कर दें इसका नाम, क्या रखूँ मैं इसका नाम, ग्रीटिंग रख देते हैं, ग्रीटिंग रख देते हैं ठीक है, और मैं यहाँ पे नेम की जगह हेलो प्रिंट कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, ठीक है हेलो एवरीवन कर दिया, इसके बाद क्या करें, बहुत सिंपल है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सर्विस को ना यूज़ करूँगा कैसे जी। भाई ये वेरिएबल का नेम होता है ना, वेरिएबल का नेम जब तक, अच्छा जी किसका सवाल था ये, हम क्यों ये यूज कर रहे होते हैं, किसका क्वेश्चन था? निशा आपका क्वेश्चन था तो मैं अभी आंसर कर दूं, वरना अगर किसी और का क्वेश्चन था, आई थिंक अरिबा का क्वेश्चन था। अच्छा चले ज्वाइन कर दिया। अच्छा जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, हमें वेरिएबल का कोई ना कोई नाम तो देना होता है ना, वरना वैल्यू कैसे फैच करेंगे, तो वो वैल्यू की आइडेंटिटी तो होती है कोई ना कोई, इसलिए नेम देते हैं, बाकी और तो कोई वजह नहीं है मेरे ख्याल से कोई खास। वेरिएबल का नेम तो होगा दायरा, उसकी आइडेंटिटी उसका नेम ही होता है। सही है, तो मैंने नेम दे दिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सर्विस यूज करनी है वाली, तो मैं सर्विस यूज कर लेता हूँ, डॉलर डॉलर टाइम आउट, और ये सर्विस मुझसे दो आर्ग्यूमेंट्स मांगती है ठीक है, वो दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सर्विस का नाम बिल्कुल हमने सही लिखा, देखो डॉलर टाइम आउट ठीक है, डॉलर टाइम आउट सर्विस बिल्कुल सही लिखी है, और अब ये दो आर्ग्यूमेंट्स मांगती है, पहला आर्ग्यूमेंट होता है एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसका, वो टाइम के जिस टाइम में क्या हो, लेट से टाइम आउट हो जाए, मैं अगर बात करूं वो एमसीक्यूज की बात कर रहे थे या नेम चेंज करने की बात कर रहे थे, तो लेट्स से मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड में ये जो नाम है ना ये चेंज हो जाए, और नेम क्या चेंज हो वो भी अभी हम बताएंगे, तो नेम चेंज हो जाए तो 5 सेकंड लिखे जाते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर, 5 सेकेंड्स आर इक्वल टू 5000 मिली सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 1 2 3, 5000 मिली सेकेंड्स के बराबर होते हैं 5 सेकेंड, और इसका जरा जो स्ट्रक्चर है वो सेट कर लें उस तरह से कर सकते हैं। सही है, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप कोई भी जो आपने लेट से ग्रीटिंग मैसेज या व्हाटएवर जो भी चेंज करना है, मैंने अब मैंने ये सेट किया कि 5 सेकंड बाद ये जो हेलो एवरीवन का मैसेज आना ये चेंज हो जाए, मुझे ताकि पूरा टाइप ना करना पड़े, तो मैं तो चेंज करें। बाय एवरीवन, सही है, मैंने क्या किया इसको हेलो की जगह बाय में कन्वर्ट कर दिया, और अब जरा जाके देखते हैं नेम को यूज करते हैं, जरा कैसे यूज करेंगे, बॉडी में सर मुझे देना है एनजी डैश कंट्रोलर, और देन कंट्रोलर का नाम, और ऊपर मॉड का नाम दे देंगे, तो मॉड्यूल का नाम एमओडी, अभी तक सब सही चल रहा है, मॉड का नाम भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं कोई मसला नहीं है। सही है, और H1 में देते हैं, और मैंने क्या रखा था नाम, ग्रीटिंग, हेलो एवरीवन 5 सेकंड्स, बाय एवरीवन, चेंज हो गया 5 सेकंड्स में, रिफ्रेश करते हैं ठीक है,
और ये देख लें, 5 सेकंड में ही चेंज हो गया। अभी मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करते ही मैं यहाँ पे जो अपनी क्लॉक है वो ओपन कर लेता हूँ। पाँच सेकंड में जो मेरा सेंटेंस था वो चेंज हो गया है। सही है, तो इस तरह से हम सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की अभी मेरी सर्विसेज हैं। फिलहाल ऐसा करते हैं, इसको सर्विस को कमेंट कर देते हैं जो भी हमने यूज़ किया, कि जो पूरा सेंटेंस है फिलहाल इसको अभी कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग सर्विस। यूजिंग टाइम आउट सर्विस। एंगुलर जेएस के अंदर प्रॉपर बॉक्सेस नहीं होते, वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से ही बनता है। एंगुलर जेएस आमतौर पर इनपुट्स की जो फील्ड होती है उनके साथ काम करती है। एंगुलर जेएस में हम ये वाला काम नहीं करते, हमें एंगुलर जेएस के अंदर इनपुट की फील्ड के साथ काम करना होता है। और ये जो कोड है ये सारा कमेंट कर देते हैं। भाई कमेंट्स का तो आपका मसला हल है ना, कमेंट्स से समझ में आते हैं ना सबको। एक और सर्विस देख लेते हैं। लेट से एक और सर्विस होती है हमारे पास इंटरवेल की, ठीक है। तो उस किस तरह से आएगी, डॉलर इंटरवेल की एक सर्विस होती है। तो ये सर्विस हम कैसे यूज करेंगे, डॉलर इंटरवल के थ्रू। सही, और इस सर्विस के अंदर लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई टाइम इंटरवल देख रहा हूँ, या एक सर्विस हमारे पास होती है लेट से लोकेशन की, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि अपनी फाइल की जो लोकेशन है वो मंगवाऊँ, कहाँ पे मेरी ये जो फाइल है वो एग्जिस्ट कर रही है। मैं चाह रहा हूँ कि वो जो फाइल है ना, मैं वो अपनी पास फाइल जो उसकी लोकेशन गेट करूँ, तो वो किस तरह से होगा। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए, किसी का कोई क्वेश्चन है जो हैंड रेज किया है। जी निशा, अच्छा निशा, कमेंट वाले जो काम होता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, ऐसा कोई भी कोड जो हमें एग्जीक्यूट नहीं करवाना, और हम ये भी नहीं चाह रहे कि हमें रिमूव करना पड़े वो, ठीक है। ऐसी कोई बात जो हम चाह रहे हैं कि रिमाइंडर के लिए यहाँ पे लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि यूजिंग टाइम आउट सर्विस, हम टाइम आउट की सर्विस यूज़ कर रहे थे नीचे, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि टाइम आउट की सर्विस यूज़ कर रहे हैं। अब मैं नहीं चाह रहा कि अब की मरतबा क्या होगी, टाइम आउट की सर्विस का कोड जब एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। हम कमेंट्स के अंदर ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम एक सर्विस की बात कर रहे थे, सर्विस का नाम है लोकेशन डॉलर। हम अपनी फाइल्स की लोकेशन अक्सर चाहिए होती है, तो फाइल्स की लोकेशन जिस तरह से आती है वो लोकेशन की सर्विस के थ्रू काम होता है सारा। सही है, लोकेशन की सर्विस देख लेते हैं किस तरह से यूज होती है। लोकेशन की सर्विस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं डॉलर लोकेशन, और अब क्या करेंगे, एक छोटा सा वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर लोकेशन। और अब नीचे काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इस वेरिएबल के अंदर मैं लोकेशन सेव करूँगा, ये बहुत छोटा सा काम है। स्कोप डॉट लेट से मैं इसका नाम यूआरएल रख देता हूँ, तो जो मेरा यूआरएल होगा फाइल का वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये किस तरह से गेट होगी, इसके लिए आपको बस डॉलर लोकेशन लिखना है, डॉलर लोकेशन लिखना है डॉट, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सिंपल एब्सोल्यूट, ठीक है। सिंपल आप लिख देंगे एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, ABS URL, एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। और अब सिंपल क्या करें, यहाँ पे एचटीएमएल में जाए अपने, और कंप्यूटर सेम ही है, ठीक है। कोई कोड वगैरह यहाँ पे भी शो नहीं हो, इसको भी कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ डॉलर टाइम आउट लिख रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाएगा यूजिंग डॉलर टाइम आउट लिख रहा हूँ यहाँ पे। और इसका भी कमेंट का स्टाइल बताया आप लोगों को सबको। यूजिंग सर्विस, ठीक है जी, ये काम भी हो गया हमारे पास।
इसको मैं फिलहाल कमेंट नहीं कर रहा यार। और यहाँ पे मैं इंटरवल वाली सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो इंटरवल वाली सर्विस के अंदर मैं 5 टाइम्स इसलिए लिखा हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को वाजे अंदाजा हो जाए। अच्छा पहले लोकेशन वाली सर्विस यूज कर रहे हैं, सॉरी। तो यूजिंग डॉलर ये कमेंट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, तो रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ ना मैं। ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कोड मैं अभी क्लास के बाद आप लोगों को दूंगा। अब लेट से किसी ने कोड आज रात को देखा, अभी पूरा पूरी पूरा दिन उसने ऐसे ही गुजारा, कोई और काम में आप लोग बिजी हो गए, आप लोगों ने कोड देखा आज रात को, तो सुबह से रात तक में कुछ बातें तो जाहिर है ना नॉर्मल इंसान के जहन से निकल जाती है। तो कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जब कोड देखें तो याद रहे कि ये जो काम है ये सारे कोड टाइम आउट के लिए किया हुआ है मैंने, ये वाला का ये वाला जितना भी काम है, ये वाला जो कोड है ये सारा हमने लोकेशन के सर्विस के लिए किया हुआ है, इसलिए काम को जरा सेपरेट रखने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, बाद में मुश्किल जो है वो कम से कम हो। अच्छा इसको सिंपली ऐसा करें कि बस HTML का एक टैग लगाएं, H1 का ही टैग ले लेते हैं, पहले आपको टैग बल्कि हाँ H1 का टैग ले लेते हैं, ये पेपर टैग छोटा ही होगा, URL ऐसा एग्जीक्यूट कर लेते हैं फाइल को, देखें नाउ सी मेरे पास एक URL आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है फाइल कॉलन ट्रिपल स्लैश सी कॉलन स्लैश यूजर स्लैश से तरकीबी स्लैश डेस्कटॉप स्लैश लेसन परसेंटेज 206। लेसन का नाम इसने नहीं लिखा है, स्पेस असल में आ रही थी इसने परसेंटेज लगा दिया, ठीक है 206 प्रोग्राम डॉट HTML हैश 2 स्लैश, ठीक है ये मेरी लोकल फाइल है, मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, तो इसका जो URL है ना वो ये है, सही है। अगर मैं ये URL टाइप करता हूँ ठीक है, तो मैं अपने कंप्यूटर के उस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। अगर ये मेरी वेबसाइट जब ऑनलाइन, लेट्स से मैं वेबसाइट ऑनलाइन कर दूं और अभी वेबसाइट सर्वर पर है, तो मैंने जहां पे भी ये सर्विस यूज की होगी ना, जिस HTML के पेज पे मैंने इस तरह से रिजल्ट मंगवाया होगा, वहां पर उस मॉड्यूल का जो उस HTML की फाइल, उसका जो करंट रिजल्ट होगा ना, जिसकी करंट लोकेशन होगी वो आ जाएगी, सही है। तो ये बेसिकली मेरा मकसद है कि मैं जो काम कर रहा हूँ लोकेशन का, जो मैंने अभी सर्विस यूज किया है, इसमें बेसिकली ये मकसद है कि आप जो करंट अपना URL है वो आप चेक कर सकते हैं, जो आपकी फाइल का URL होगा HTML की, सही है। यहाँ तक मसला, इसको भी कमेंट कर देते हैं यूजिंग लोकेशन। अब देखो ये सर्विस यूज करने में ज्यादा ही इजी थी, बहुत ज्यादा आसान थी, ठीक है। अच्छा एक और सर्विस यूज कर लेते हैं, एक और सर्विस है अभी जो हम इंटरवेल की बात कर रहे थे, तो ये जो सर्विस है इंटरवेल वाली, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, लोग इसे भी काफ़ी ज़्यादा काम में देते हैं, ठीक है हम ये भी ट्राई कर लेते हैं ये जो इंटरवेल वाली सर्विस है ये किस तरह से यूज होती है और हमें इसको किस तरह से देखना है, सही है। इसके अंदर क्या होगा कि हमने वो बटन के साथ हमने काउंटर बनाना सीखा था, अभी जहन में आया बटन के साथ जो काउंटर बनाना सीखा था, चलो उस पर काम करते हैं। हमने क्या किया था उसमें वैल्यूज इंक्रीज कर लेते जी, बोलिए। हाँ जो मैं URL मंगवा रहा हूँ ना, नहीं आप कौन सी URL की बात कर रहे हो, मैंने जो URL AngularJS की फाइल से मंगवाया ना वो एक्चुअली URL है, और जो आपकी फाइल होगी ना आप मॉड्यूल से काम करोगे, लेकिन जो आपका URL आएगा वो HTML का आएगा। किस नोड से? मैं हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं URL मंगवाऊंगा ना वो URL होगा मेरी HTML की फाइल का, बट वो URL मंगवाऊंगा मैं AngularJS की सर्विस को यूज करते हुए, ठीक है। तो जहां पे मंगवाऊंगा जिस फाइल में मैंने मंगवाना है, जैसे मैंने URL का जो मैंने जो वेरिएबल था वो जहाँ यूज किया है वहीं पे वो URL आएगा,
वो URL वहीं आएगा जहाँ पे मैंने उसे HTML के अंदर जो सर्विस मैंने यूज़ की है वहीं पे वो URL आपके पास आएगा। सही। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं जो इंटरव्यू वाली सर्विसेज को यूज़ कर लेते हैं। इंटरवल मैंने यहाँ पे मेंशन तो कर दिया, ठीक है। इंटरवल वाली सर्विस के अंदर क्या होता है कि इंटरवल वाली सर्विस के अंदर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। यानी क्या करना होगा, लेट्स से भी मैं काउंटर वाली बात कर रहा था, तो क्या करते हैं, हमने उस दिन क्या किया था जी। वहां से तो मैं सिर्फ उसे यूज कर रहा हूँ, मैं वहां पे सिर्फ जाके वहां पे टाइप कर रहा हूँ ताकि मैं उसे यूज कर सकूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे, आप लोगों ने एक चीज और ही नहीं की अभी तक, मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। मैं पूछने वाला था बल्कि कि यहाँ पे क्या, क्यों लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, डॉलर स्कोप लिखा, फिर डॉलर टाइम आउट लिखा, डॉलर इंटरवल और ये सारी चीजें, डॉलर लोकेशन लिखा, ये क्यों लिख रहा हूँ, आप लोगों ने सोचा ये? नहीं, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डॉलर टाइम आउट नहीं लिखूंगा ना तो ये सर्विस कॉल नहीं होगी नीचे, जो मैंने कोट किया कंट्रोलर के दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे डॉलर इंटरवल नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, ये सर्विस यहाँ पे कॉल नहीं होगी। तो मुझे क्योंकि सर्विसेज कॉल करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, डॉलर इंटरवल और डॉलर टाइम आउट जैसी चीजें टाइप करनी पड़ेंगी। यानी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि स्कोप क्यों यूज करते हैं, मैं स्कोप यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, ताकि मैं इसकी सर्विस नीचे यूज कर सकूँ। तो इसी तरह से मुझे इंटरवल, टाइम आउट, लोकेशन और ये सारी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर मैं ये मेंशन नहीं करूँगा तो मैं ये सर्विसेज नीचे यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में किया था, यहाँ फंक्शन बनाओ और HTML में क्या करो, HTML में ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल कर लो। बस HTML का एट्रीब्यूट जो है ना ऑन क्लिक, अब वो क्या हो जाएगा, एनजी डैश क्लिक हो जाएगा और उसके अंदर तुम फंक्शन का नाम मेंशन कर दो। लास्ट क्लास में हमने काउंटर बनाया था, मैंने उसके अंदर, हाँ नहीं, वहां पे बस फंक्शन का नाम मेंशन करना है। ये लोकेशन, ये देखो 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 देखो, अच्छा तुम ये कह रहे हो। देखो मैंने क्या किया, ये लोकेशन एक वेरिएबल में सेव करवाई, मैं लोकेशन वाले वेरिएबल पर अगर आऊँ तो ये देखो, ये लोकेशन यही है ना लोकेशन वाला, मैंने ये लोकेशन क्या की, एक वेरिएबल में सेव करवाई। अब मैंने सिंपल वो वेरिएबल HTML के अंदर कॉल करा दिया यहाँ पे, खत्म। तो ये फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं मंगवाना। अगर तुम्हें ये बटन के क्लिक पे मंगवानी है तो तुम क्या करो कि बटन के क्लिक के ऊपर ही रख दो, ये वेरिएबल रख दो, वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। या बटन के क्लिक के ऊपर रखो डिफ को, ठीक है, ये डिफ आ जाए। और फिर उसके बाद क्या करो कि भाई आप डिफ के अंदर ये दे दो कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो क्या होगा, ये डिफ शो हो जाए, खत्म। तरह से कर सकते हो, H1 का टैग दे दो इस तरह, मतलब आप बटन को लिंक कर दो इस HTML के टैग से, ठीक है, कि बटन पे क्लिक हो तो HTML का टैग खुल जाए। या एंकर के थ्रू कर लो, बटन के साथ हम एंकर यूज करते थे, एंकर के थ्रू कर लो और फिर क्या हो जाए, एंकर के साथ आप इसको कॉल कर लो और जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, ये URL कॉल हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास, सिंपल। नहीं गई गई, देखो यहाँ पे अच्छा एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं ए फिलहाल, और इसको कोई वैल्यू दे देते हैं। हमने लास्ट क्लास में काउंटर वाला काम किया था कि बटन के क्लिक के ऊपर काउंटर में वैल्यू पड़ रही थी, आज क्या करते हैं, बटन के क्लिक पे नहीं, सिंपली क्योंकि मैं इंटरवल पढ़ रहा हूँ तो इंटरवल में क्या होता है, एक मखसूस टाइम के, यानी एक फर्ज करो, एक मैंने टाइम डिफाइन कर दिया सेकेंड्स का, तो क्या होगा कि 1 सेकेंड बाद ये नंबर ना कम होते रहेंगे। आप लोगों ने वो देखा होगा टाइम काउंटर चल रहे होते हैं, 2 डेज लेफ्ट, 1 डे लेफ्ट, इतने आवर्स लेफ्ट या इतने इतने सेकेंड्स लेफ्ट हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से चल रहे होते हैं। अब वो कन्वर्जन दायरा आप लोगों को देखनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के साथ वो देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं सेकंड्स के साथ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको की वैल्यू दे रहा हूँ जिससे ये नीचे आएगा, मैंने दिया 100, ठीक है, और 100 के बाद मैंने क्या किया, मैंने अब इस जो सर्विस है डॉलर,
डॉलर इंटरवल इसको यूज किया, ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा? फंक्शन से तुम लोगों को बकायदा नफरत हो गई होगी वैसे जो बात है। ठीक है, और क्या करूं यहाँ पे? आपने अब जब फंक्शन को कॉल कर लिया ना, यहाँ पे फंक्शन आपने यूज कर लिया, अब यहाँ पे बता दो कि कितने सेकंड्स का आपने इंटरवल देना है। तो 1 सेकंड का मतलब होता है 1000, 1000 मिली सेकेंड, 1 सेकंड का मतलब होता है 1000 मिली सेकेंड। और आप क्या करो, डॉलर स्कोप डॉट ए, डॉलर स्कोप डॉट ए ना, यहाँ से खत्म करो, ठीक है। और बस क्या करना है आपको, सिंपल माइनस माइनस करके सेमी कॉलन लगा दें। जी नहीं, ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी इनिशियल वैल्यू थी ना ए की, वो 100 हो जाए, इसलिए। तो भी मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया है, इसलिए क्या हो रहा है, मेरे पास वैल्यूज जो है वो आ नहीं रही है। अच्छा, 1 मिनट आप लोग ऐसा करो, 1 मिनट का वेट करो, ठीक है, 1 मिनट वेट करो, मैं दोबारा से माइक ऑन करता हूँ। 1 मिनट वेट करो, मैं दोबारा से माइक ऑन करता हूँ। अच्छा जी, तो 1 मिनट पूरा हो गया, पूरा भी नहीं हो गया, जल्दी आ गया। खैर, अभी इसके यहाँ पे कॉल भी कराना है मुझे, कॉल करा देते हैं जरा, और साथ के साथ कमेंट कर लेते हैं अपनी बात को यहाँ पे कि मैंने ये करना है आगे जाकर। यूजिंग, और मैंने कहा डॉलर, और मैंने अपने आई थिंक इंटरवल यूज किया। इंटरवल सर्विस, इंटरवल की सर्विस यूज की है। अब मैंने वहां पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी है, ठीक है, और मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे वो वैल्यू बार बार जितनी भी बार मैंने करना है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को मैं कॉल करूंगा, सही है। और जब मैं वैल्यू यहाँ पे कॉल करूंगा तो क्या होगा कि HTML के उस टैग के थ्रू वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। H1 ही कॉल करा देते हैं। और ए रखा था आई थिंक, अगर आऊँगा तो चलो देखो क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नहीं हो रही, ठीक जी, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नहीं हो रही, सही है। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को समझ में आया अभी तक का काम? सही सबको समझ में आया या बस कोई एक दो ही है? सही है, चलो मैं देखता हूँ। अच्छा, अभी मैं फिलहाल एक सर्विस बनाने का भी जो मेथड है ना वो भी जरा देखता हूँ कि सर्विस किस तरह बनती है। अभी तो हमने बिल्ट इन सर्विसेज यूज कर ली है, बट अभी तक हमने कोई सर्विस बनाई नहीं है, ठीक है। तो एज सच अभी जावास्क्रिप्ट के एंगुलर जेएस के अंदर मैं आपको कोई ऐसी सर्विस नहीं बना के दिखा सकता जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हो, या जैसे जो कि जैसे डॉलर स्कोप जैसी सर्विस है। डॉलर स्कोप जैसी सर्विस के अंदर भी काफ़ी मेहनत लगी है, जिसने भी इसे बनाया ना वो यकीनन काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाया होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा उसको काम करना पड़ा होगा। इसके अंदर बहुत छोटी सर्विस नहीं है, तो बहुत उसमें काम ज़्यादा करना पड़ा होगा, जितनी छोटी हम लोग अभी कर रहे हैं। ये काउंटर वाली सर्विस हो गई, काउंटर वाली तो मैंने डॉलर स्कोप माइनस माइनस करके कर ली, जो लूप में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये लूप्स की शक्ल होती है, बेसिकली लूप्स की तरह से फेसेस होते हैं। इंटरवल हो गया, अब ये इंटरवल वाली जो सर्विस है यकीन इसमें भी मेहनत लगी होगी किसी के बनाने में, ठीक है। सर्विस बनती कैसे, हम ये देखते हैं।
ठीक है, सर्विस देख लेते हैं कि सर मिलती है। अच्छा अभी मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, या बल्कि मैं यहीं पे नीचे काम कर लेता हूँ, मसला नहीं है। ठीक है, और इसको भी अब जाके क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और हमने यूज़ किया यहाँ पर डॉलर इंटरवल वाली सर्विस, तो डॉलर, हाँ सॉरी, कमेंट करेंगे। कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, नई फाइल बनाऊंगा ना तो फिर आपको लिंक करने के अंदर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसी जावास्क्रिप्ट की फाइल में मॉड्यूल 1 पड़ा हुआ होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं इसलिए भी क्या कर रहा हूँ, कॉमेंट कर रहा हूँ। आप लोग कॉमेंट क्या करोगे, यहाँ से मैच करोगे जो इंटरवल वाला कॉमेंट है, पहले उसको अन कॉमेंट करना, ठीक है, फिर एचटीएमएल के अंदर जाके चेक करना कि इंक्रीमेंट वाला जो काम है सारा, इंटरवल वाला काम है वो कहाँ पर है। रिव्यू करोगे, रिजल्ट सही आएगा। फिर क्या करो, टाइम आउट वाला जो सारा काम है उसको अन कमेंट करो, उसको प्रीव्यू करो एचटीएमएल के अंदर। फिर क्या है, जो मैं ये वाला काम करा रहा हूँ इंटरवल वाला, ये देन जो आपका कौन सा था, ये आपका अलग अलग करे लोकेशन, उसको अनकमेंट करना है यहाँ पे। मैं इसीलिए अलग अलग लिख रहा हूँ, यूजिंग इंटरवल, इंटरवल सर्विस। देन अगर मैं अलग अलग फाइल बनाऊंगा तो उसके अंदर कंफ्यूजन जो है ना वो थोड़ी सी इस तरह की होगी कि आप लोग परेशान हो जाओगे, कौन से मॉड्यूल को लिंक करना है, कौन से मॉड्यूल से एचटीएमएल के किस तरह से कैसे काम होगा। इसलिए मैं तो मल्टीपल मॉड्यूल के साथ काम कर लूंगा, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर आ जाएंगे। एक और चीज़, जब भी हम कोई सर्विस बनाएंगे तो सर्विस हमेशा स्कोप से बाहर बनती है, किसके, कंट्रोलर के। हमेशा सर्विस बनती है किसकी मदद से, हमेशा सर्विस बनती है मॉड्यूल की मदद से, और हमेशा सर्विस कंट्रोलर से बाहर बनती है और कंट्रोलर से पहले बनती है। अभी मैं सर्विस बनाने जा रहा हूँ, सर्विस बनाने जा रहा हूँ, और सर्विस बनाने के बाद क्या करूँगा, लेट से मैं ये करूँगा कि ना आप लोगों को दिखाऊंगा एक मरतबा, यानी जब मैं सर्विस बनाऊंगा उसके बाद मैं आप लोगों को एक मरतबा दिखाऊंगा कि आप मैं सर्विस कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ या कंट्रोलर के बाद यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर आप लोग जो डिफरेंस है ना वो खुद ही देख के समझ जाओगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, कि कंट्रोलर से पहले बनानी है सर्विस। जिस कंट्रोलर में आपने सर्विस यूज करनी है, हमेशा याद रखिएगा उस कंट्रोलर से पहले वो सर्विस बननी चाहिए। अगर वो सर्विस जो कि आप अभी इससे नीचे वाले कंट्रोलर में यूज करना चाह रहे हैं, अगर वो सर्विस अभी तक आपने खुद यूज, यानी अभी तक आपने कंट्रोलर से पहले बनाई नहीं है, तो वो सर्विस बना लें। अगर नहीं बनाई है तो वो बहुत नुकसानदेह, आप यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, सर्विस बनती किस तरह से भाई, सर्विस को आपने नाम क्या देना है, सबसे पहले तो ये वाली बात, सर्विस को नाम क्या देना है। तो आपने सर्विस मॉड्यूल के थ्रू बनानी है, मॉड्यूल की सारी वैल्यूज पड़ी हुई है ऐप में, ऐप डॉट। अब सर्विस को नाम क्या देना है, तो ऐप डॉट सर्विस, ये एक मेथड है, सर्विस और ये स्टार्टेड, ये मेथड है जो कि कुछ पैरामीटर्स में होता है। सही है, इसका फर्स्ट पैरामीटर है इसका नाम, सर्विस का नाम क्या देना है। मैं लेट से क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ दो वैल्यूज ऐड होंगी इसके अंदर, तो मैं कहता हूँ इसका नाम होगा मैथ, ठीक है, या कैलकुलेटर या वट एवर जो भी, मैथ मैंने इसका नाम रखा, ठीक है, कॉमा दिया। और अब सेकंड पैरामीटर है इसका एक ऐसा फंक्शन, जो कि एनोनिमस है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर क्या हो गया, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है। अब क्या होगा, आप इसके अंदर अलग अलग जो फंक्शनैलिटीज है ना वो डिफाइन कर सकते हो। भी अभी जाना था यार, खैर, अलग अलग फंक्शनैलिटीज आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। लेट से मैं इसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट की फंक्शनैलिटी वो डिफाइन कर देता हूँ कि ये जो सर्विस है दो वैल्यूज को ऐड कर सकेगी। मैंने लिखा दिस, इसका मतलब इससे ऊपर वाली सर्विस डॉट, इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा हूँ ऐड करने की, ये इसका नाम है, आप नाम चेंज कर सकते हो। मैंने इसलिए लिखा है ताकि वो मुताबिकत रखे या रेलेवेंसी रखे मेरे काम से, ठीक है। इज इक्वल्स टू एक फंक्शन, फंक्शनैलिटी बना रहे हो, यहाँ पे जितनी कंफ्यूजन होगी वो सिर्फ फंक्शंस और ब्रैकेट्स वगैरह के अंदर होगी, और कोई मसला नहीं आएगा आप लोगों को।
और फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स जो कि दो वैल्यूज होंगी जो कि फंक्शन बाद में एक्सेप्ट करेगा, सही है, जो कि ए कॉमा कॉमा बी होंगे। अब क्या होगा, ये बस रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा ए प्लस बी, ये फंक्शन हो गया। इसके बाद क्या करो, डॉट लेट से मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, या प्रोडक्ट, दिस डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बराबर होगा, ऐसी ऐसे फंक्शन के बराबर होगा सही है। और इसको आप दे दें लेट से, ये फंक्शन जो है ये भी दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, और हमने इसको भी कह दिया ए कॉमा बी, ठीक है, जरूरी नहीं है वार एंड जो भी है वॉट एवर ये चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कोई नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बस सिंपली ये कर दें कि रिटर्न ए स्टैटिक बी, यानी होगा क्या, एट द एंड ये आपको दो वैल्यूज प्रोडक्ट के अंदर रिटर्न करेगा। अब सर इस सर्विस को यूज कैसे करते हैं, तो भाई सर्विस को कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं इससे पहले की तमाम सर्विस को यूज कर रहा हूँ, ये सर्विस मेरी बन के तैयार हो गई है, ठीक है, ये एक छोटी सी सर्विस हमने बनाई जो कि अभी हमारी रेडी हो गई है। अब सर इस सर्विस को यूज कैसे करते हैं, तो इस सर्विस को ऐसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करेंगे, जाहिर आप लोग सबसे पहले सोचोगे सर अगर सर्विस यूज करनी है तो यहाँ पे इसको ऐड करें। तो अब सवाल ये होता है कि मैं यहाँ पे क्या नाम दूँ, मैंने स्कोप तो एक रखा भैया, इंटरवल लोकेशन टाइम आउट वॉट एवर जितनी भी चीजें सब रखी हुई हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार आप लोग ये बताओ कि मैं यहाँ पे सर्विस का नाम क्या यूज करूँ, मैथ यूज करूँ, ऐड या प्रोडक्ट यूज करूँ, क्या यूज करूँ, एनी रिप्लाई फॉर यू फ्रॉम योर साइड। हाँ जी टाइम तो मेरा माइक खुला हुआ है, तुम कुछ बोलोगे मैथ, और कोई मैथ के साथ, आमिर आमिर तुम्हारी तरफ से भी बड़ा कम रिप्लाई आता है यार, आमिर बिल्कुल सही है, रीवा और कोई इसके साथ अगर आपको ये सही लगता है तो, आमिर तुम्हारे रिप्लाई बहुत कम आता है, आता ही नहीं है बल्कि, तुम बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे अभी सर्विस यूज करनी है अपने कंट्रोलर के अंदर, जो पर मैंने सर्विस बनाई है ना, तो सर्विस का नाम क्या यूज करूँ, मैथ यूज करूँ, ऐड यूज करूँ या प्रोडक्ट यूज करूँ, क्योंकि सर्विस के अंदर दो फंक्शनैलिटीज भी बनाई है ना मैंने जो कि ऐड और प्रोडक्ट की हैं, तो अगर मुझे ऐड की फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो यहाँ डॉलर के साथ मैं क्या यूज करूंगा, सही, और कोई और एनीवन एनीवन एल्स, अच्छा एनीवन एल्स विद दिस आंसर, कोई और जवाब के साथ, बात तो सही है लोगों की। अच्छा एक और चीज, बात तो सही है, मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे डॉलर मैथ, तो डॉलर ये आंसर एक तरह से टेक्निकली गलत हो सकता है, किस तरह से मैं दिखा देता हूँ अभी, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डॉलर डॉलर मैथ यूज कर दिया मैंने, और अब यहाँ पे कहीं भी जाते हैं सबसे एंड में, अब मैं सर्विस का यूज कैसे करूंगा, तो सर सिंपल है, बहुत आसान है, आप क्या करेंगे दो वेरिएबल्स बना लें, ठीक है, डॉलर स्कोप डॉट जैसे मैंने ऐड का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, तो हम इसको नाम दे दें, ठीक है, और फिर अपनी मैथ की जो सर्विस है वो कॉल करा लें डॉलर मैथ, और इसको सिंपल क्या करें मैथ डॉट ऐड कर दें, मैथ के अंदर एक फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है ऐड की, ऐसी बात है, बिल्कुल सही बोला था आप लोगों ने, ठीक है, इसके अंदर दो वैल्यूज पास कर दें, तो मैंने कहा 10, 2, 10 + 2 12 हो जाने चाहिए, सेमी कॉलन, इसके बाद क्या करें आप, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे करें, और फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी आपकी मरतबा, फंक्शनैलिटी में क्या आ जाएगा, 10, 1, 2 किया था मैंने, इसको 10 कर देते हैं और इसको भी 10 कर देते हैं, 10 to the 20 एक जगह होगा, और एक जगह मैंने आई थिंक प्रोडक्ट यूज की थी, सर्विस का नाम देख लेते हैं, सर्विस का नाम प्रोडक्ट है,
अभी देख लेते हैं दोबारा कंफर्मेशन करने के लिए। ठीक है, दो जगह में मैंने ये किया। और सर आप ऐसा करें, एक जगह वेरिएबल का नाम तो चेंज कर दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई के अंदर सम और प्रोडक्ट होना चाहिए, और ऐड के अंदर जो प्लस का काम है सम जो है उसके अंदर वो प्लस का काम होना चाहिए। तो अब चलो इसको अपने एचटीएमएल के अंदर यूज कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सर्विस बनी नहीं बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वॉट एवर। मल्टीप्लाई में स्लैश के साइन यूज नहीं किया मैंने, स्ट्रेंज। यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे तो मैंने कॉमा ही दिया, यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यूज पास करनी है ना। जो फंक्शनैलिटी है वो तो मेरी ऊपर बन गई है, मल्टीप्लाई तो मैंने ऊपर कर दिया है। स्टैटिक भी देखें लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाली जगह पे, यहाँ पे तो मसला नहीं है। ठीक है, यूज यूजिंग यूजिंग आर ओन सर्विस। ठीक है जी, हमने प्रोडक्ट के अंदर रखा था, और सॉरी हमने सम रखा था, और सम में हमने एडिशन रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो व्हाट इज दिस, सम लिखा हुआ है बट सम आ नहीं रहा है, कोई मिस्टेक बताएगा। जो मिस्टेक है ना वो यहाँ पर है, जैफा वो इस कोड में है, और वो मिस्टेक है यहाँ पे इस सर्विस के बनाने के स्टार्टिंग में। कैन एनीवन इवन गेस दिस मिस गेस दिस गेस दैट मिस्टेक, वो है सर्विस के नाम में। चलो ये मिस्टेक है, सर्विस के नाम में मिस्टेक है कोई, अब बता दो। एक चीज नोट करो, सर्विस का नाम लिखते हुए मैंने डॉलर नहीं लिखा, जबकि सर्विस का नाम जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैंने डॉलर लिखा। की नोट ये बात, जब मैंने सर्विस का नाम यहाँ पे लिया स्टार्टिंग में, जो कि मुझे सर्विस के नाम के साथ डॉलर लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था, मुझे सर्विस के नाम के साथ डॉलर नहीं लगाना चाहिए था। यानी मतलब मैं डॉलर के बगैर ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैंने इस बात की कि कुछ कन्वेंशनल कोडिंग के एथिक्स होते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के जो एंगुलर जेएस के जो डेवलपर्स होते हैं, जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं, जो जितने भी इनके पुराने पुराने डेवलपर्स हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आप अगर इंटरनेट पर डिफरेंट कम्युनिटीज इनकी देखो ना, तो अक्सर जगहों में ये मैंने पढ़ा है, इनके जो जितने भी डेवलपर्स होते हैं, जो इनके ओल्ड डेवलपर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इस बात को रिकमेंड करते हैं कि आप डॉलर का साइन यूज करो, क्योंकि एंगुलर जेएस की अपनी सर्विसेज जो होती हैं वो डॉलर का साइन यूज कर रही होती हैं। तो आप भी क्या करें, स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए आप भी डॉलर का साइन यूज करें। जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है ये। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि इसके बगैर आपका कोड ना चले, कोई ऐसी बात है, बट क्या होता है अगर आप यूज करोगे तो ये ज्यादा बेहतर है। वरना जैसा आपने इसका नाम यहाँ रखा है, यानी अगर आपने यहाँ पे सिर्फ मैथ रखा है नाम, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं लगाओगे, आप बगैर डॉलर के साइन के इसको डील करोगे। अगर आपने डॉलर के साथ रखा है तो फिर आप डॉलर के साथ कॉल करोगे। F12, yes. 12 आया, 10 + 2 12 आया, नहीं आया। मैंने क्या किया था, मैंने जो फंक्शनैलिटी वो कॉल की थी, वो कौन सी फंक्शनैलिटी कॉल की थी, मैंने सम की फंक्शनैलिटी कॉल की थी। सही है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई की भी फंक्शनैलिटी कॉल कर लेता हूँ। इस पूरे H1 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 10 to 20 होना चाहिए, और यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। तो देखो एक जगह 10 + 2 12 आ रहा है, और एक जगह 10 to 20 आ रहा है। अभी तक के काम में प्रॉब्लम किसी को, हाँ जी, अभी तक के काम में प्रॉब्लम किसी को?
अभी तक के काम में प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया हो, कहीं बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हो तो बताइए, डिस्कस करते हैं उसको। वरना फिर ये रीवा मुझसे कह रही है कि लास्ट क्लास में कुछ काम है वो जो इनको रिवाइज करना है, फिर हम उसको डील कर लेते हैं। थोड़ा सा जो काम इनको दिखा, जो इनको काम थोड़ा सा कराना है वो करा देते हैं, उसको डील कर लेते हैं। जब तक आप लोग मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो। हाँ जी, तो एग्जाम में 12 और 14 मई को एग्जाम है यार। मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे अपने जो यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट थे ना वो चल रहे थे, तो हमारे मिड नहीं हो रहे, तो टीचर्स ने कहा कि अब असाइनमेंट्स के थ्रू ही हम आपको मिड के मार्क्स देंगे, तो उसकी थोड़ा सा मैं उनको निपटा रहा था। लेकिन अभी जो है ना कंडीशन थोड़ी बेहतर है, तो मैं आज इंशाल्लाह आज रात तक कोशिश करके आप लोगों के साथ एग्जाम्स की जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर दूंगा। और मैं ये भी बता दूंगा कि हम किस दिन प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं, तो मे भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करना शुरू कर दो और मैं मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रहा था, अभी सब लोग ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि अभी भी कुछ दो ही लोग आए हैं यार, खैरियत तो है। अच्छा, नॉइज बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही है मेरे अराउंड? ज़्यादा चले। खैर, जितने भी लोग हैं अभी उनसे कह देता हूँ कि भाई मैं बेसिकली थोड़ा सा बिजी चल रहा था इन 2-3 दिनों में, लेकिन अब कोशिश करके मैं आज कल में आप लोगों को जो एग्जाम है उनसे थोड़ा सा अवेयर कर दूंगा, ठीक है। और किन किन स्टूडेंट्स के एग्जाम होने हैं मैं देखें शाम में, अगर मुझे वक्त मिला किसी वक्त 4 साढ़े 4 बजे के बाद, तो मैं यकीनन ये जो काम है आप लोगों का ये कर दूंगा सही। और आप लोगों को लिस्ट वगैरह जो है वो ग्रुप्स के ऊपर, आप लोगों के रिस्पेक्टिव जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा या फिर क्लासरूम पर अपलोड करूंगा, तो क्लासरूम को ज़रा देखते रहिएगा। और क्लासरूम का होने ही वाला है कि क्लासरूम से मैं जो वीडियोज़ हैं हमारी सारी क्लास की मैं वो रिमूव करूंगा हल्के हल्के, बट मैं आपको यानी ग्रेजुअली, ऐसा नहीं है मैं आज के दिन बस अभी बैठा और आज सारी वीडियोस यूट्यूब पे मैंने लेट से कन्वर्ट की और मैंने क्लासरूम पूरा डिलीट कर दिया, नहीं। मैं ग्रेजुअली हल्के हल्के यूट्यूब पे जैसे जैसे वीडियोस मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, पहले पूरा एक बैच मैंने करना है कवर, 1 07 बी वाला बैच है सबसे पहले वो स्टार्ट किया है, पहले वो पूरा बैच कवर करूंगा। जब उस बैच की करंट वीडियोज तक अपलोड हो जाएंगी, जिस दिन भी मैं लेट से कल मैं काम कर रहा हूँ और कल तक की तमाम वीडियोज अपलोडेड हो गई, उस दिन मैं क्या करूंगा दूसरा कोई बैच स्टार्ट कर दूंगा। तो मे भी शायद पहला बैच मैं आप लोगों का करूँ उसके बाद, क्योंकि आप लोगों का जो मटेरियल है वो शायद थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा
आई थिंक आसान हो, मेरे पास कन्वर्ट भी वो सारा हुआ हुआ है कम उस पर, कम मेमोरी के ऊपर। ठीक है, तो मे भी शायद आप अगला वाला बैच आपका हो या किसी का भी हो, मैं ग्रेजुअली क्लासरूम से बाद में जब आप लोग मुझे बता दोगे कि आप लोगों ने यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखनी है, ठीक है, आप लोगों को सारी वीडियोस वहाँ मिल गई हैं, तो उसके बाद मैं ये ग्रेजुअली वीडियोस यहाँ से क्लासरूम से डिलीट करता जाऊँगा और यहाँ पे क्लासरूम पे लिंक पोस्ट करता जाऊँगा। हर वीडियो के बिहाफ पे मैं उसका लिंक यहाँ पे पोस्ट करता जाऊँगा, तो आपको जो वीडियो जो भी लेक्चर होगा उसी लेक्चर मटेरियल के साथ वो वीडियो मिल जाया करेगी, यानी वीडियो का लिंक मिल जाया करेगा, आप लोग उसे यूट्यूब से देख सकते हो। क्योंकि यार आप लोगों का टाइम अभी लेट से 2-3 साल तक आप लोग यहाँ पर हो, लेकिन क्लासरूम में 15 GB से ज़्यादा की जगह नहीं है, और मैं 2-3 दिन के अंदर जो आप लोगों का सारा डेटा मैंने अपलोड किया तो उसमें 15 GB पूरी की पूरी फुल हो गई है। ठीक है, बाकी हम ऐसा करते हैं कि लेक्चर जो 3 था, लेक्चर 4 जो था, अरिमा जो कह रही है, इनका वो लेक्चर जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं। आप लोग चाहें तो लीव कर सकते हैं, मैं ये देखें मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ।